मैं पंकज कमल सैंडस्टोन इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड का चेयरमैन हूँ और सैंडस्टोन प्रो जो हमारी ओटीटी है इसका मैं चेयरमैन हूँ। हमारे कई मेंबर्स हैं, अभी सीईओ हमारी कंपनी के चीता जजनेश शेट्टी जो बॉलीवुड के मशहूर एक्शन मास्टर हैं, एक्शन कोरियोग्राफर हैं, एक्टर हैं, कई फिल्में उन्होंने की हैं और कई आर्टिस्टों को बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को उन्होंने ट्रेंड किया है। खुद उन्होंने एक फिल्म भी प्रोड्यूस की है, हम तुम पे मरते हैं गोविंदा जी की। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सुरेश चंद्र अवस्थी जी हैं जो खुद बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और आज के समय में वो प्रोड्यूसर और इन्वेस्टर हैं। हमारे वन ऑफ द डायरेक्टर मिस्टर संदीप मलानी जी हैं जिन्होंने कई फिल्में आज के समय में हर लैंग्वेज मिला करके उन्होंने 100 मूवीज़ एज एन एक्टर डन किया है, कंप्लीट की है और एज एन डायरेक्टर उन्होंने 10 फिल्में फिल्म इंडस्ट्री को दी है। तो ये हमारी टीम है जो काफ़ी स्ट्रांग टीम है। साथ में कोरियोग्राफर लॉलीपॉप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी टीम के मजबूत पिलर्स हैं। लॉलीपॉप जी ने बहुत सारी फिल्में आपने देखा होगा, आती क्या खंडाला या वीर फिल्म के जो हीरिये सॉन्ग हैं वो उन्होंने किया है, दमंग 2 के गाने हैं, फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी ये उन्होंने किया है, ऐसे ही बहुत सारी फिल्में उन्होंने की है और कई शोज़ बड़े बड़े शोज़ हर सेलिब्रिटीज़ के साथ उन्होंने काम किया है। इस तरीके से हमारे जो पिलर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रांग हैं और हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि जो ऐप हम लोग लेकर के आए हैं, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म ओपन ओटीटी प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए लेकर के हम लोग आए हैं, वो इंडिया का पहला स्वदेशी ओपन ओटीटी प्लेटफॉर्म है। अब आप क्या जानकारी चाहते हैं, जैसा आप बताएंगे मैं हर एक जानकारी देने के लिए तैयार हूँ। भाई आज आपके जो ओपन प्लेटफॉर्म है सैंडस्टोन प्रो, इसे 2 फिल्में आज आप लोग लॉन्च कर रहे हैं, उसमें से एक फिल्म माँ है और दूसरी फिल्म है ऊपर वाला दे दे छप्पर पर। जी बिल्कुल। सबसे खास बात है जो मुझे इस फिल्म के बारे में नजर आ रही है, ये रजा खान साहब की आखिरी फिल्म है जो उनके देहांत के बाद, उनके स्वर्गवास के बाद करीब 5 या 6 सालों बाद रिलीज हुई है। ये उनकी आखिरी फिल्म है जो रिलीज है। आप इस पे बिल्कुल आप समझ सकते हैं, रजाक खान जी ने कई फिल्में इंडस्ट्री को दी है, एक बहुत बड़े शख्सियत थे वो, बहुत अच्छे इंसान थे वो और उनकी आखिरी फिल्म ऊपर वाला दे दे छप्पड़ फाड़ के, तो उनकी आखिरी फिल्म वो हमारे प्लेटफॉर्म, हमारे नवोदित ओटीटी प्लेटफॉर्म सैंडस्टोन प्रो में रिलीज़ हो रही है। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और आज इसी के लिए हम लोगों ने विनम्र श्रद्धांजलि उनको दिया है, हमारी पूरी टीम ने उनको विनम्र श्रद्धांजलि दिया है और मुझे पूरी विश्वास है कि लोग इसको देखेंगे और बहुत पसंद करेंगे। पंकज भाई आप अगर याद करते हैं रजा खान साहब को तो उनकी बहुत सारे उन्होंने किरदार किए, जैसे उन्होंने मानीचंद का किरदार किया 1999 की फिल्म बादशाह में, निंजा चाचा का रोल किया हेलो ब्रदर का, उसके बाद टक्कर पहलवान जैसे फेमस रोल्स किए। आपका सबसे यादगार जो है वो रजा खान साहब का वो कौन सा है? बिल्कुल रजा खान साहब का, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, इस फिल्म में गोविंदा जी के साथ उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी, वो रोल मैं कभी भूल नहीं पाता हूँ उनका। जब भी मैं रजाक खान साहब के का नाम लेता हूँ, उनके तो सारे किरदार बहुत एक से एक रहते हैं और बहुत स्ट्रांग किरदार करते हैं वो, पर उस फिल्म में जो उन्होंने किरदार किया था ना, उनकी वो सीन जब वो वेडिंग एनिवर्सरी के लिए जाते हैं उनके लिए बूके लेकर के गोविंदा जी के घर पे भाभी जी की बर्थडे के लिए, और उस सिचुएशन में जब उन्होंने उनके बच्चे को जो गोली चलाने की ट्रेनिंग देते हैं, उस समय जो उन्हें थप्पड़ पड़ती है,
इनके सुष्मिता जी के द्वारा, वो सीन क्या कमाल का था। और उन्होंने जो वो पंच लाइन दिया था कि भाभी जी ये थप्पड़ अगर किसी और का होता तो अभी कुछ और बात होती, तो वो क्लास के आर्टिस्ट थे। पंकज भाई, सैंडस्टोन प्रो के आप जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, आगे के जो प्लान्स हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जी बिल्कुल, अभी 21 तारीख को हमारी दो फिल्में रिलीज़ हो रही हैं। पहला ऊपर वाला दे दे छप्पड़ फाड़ के, दूसरा माँ ये सिनेमा है। सेकेंड हम लोग 26 तारीख को फिर दो फिल्में कर रहे हैं रिलीज़। उसमें एक है हम हैं, ये हिंदी फिल्म है, और दूसरी एक भोजपुरी फिल्म है बांधम बा पगड़ी खिचब सगड़ी, ये भोजपुरी कॉमेडी ड्रामा है, और दूसरी एक्शन और थ्रिलर फिल्म है। इसी तरह हमारा 6 तारीख को भी दो फिल्में अनाउंस होगी। उसके लिए हम लोग प्रॉपर रेगुलर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और रेगुलर अनाउंसमेंट ये होता जाएगा हमारा, और फिल्में रिलीज़ होती जाएंगी। हमारी कोशिश है कि हमारे OTT पे हर 10 से 15 दिनों के बीच में दो फिल्में रिलीज़ हों, और इसकी बहुत अच्छी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। अभी तक तो कंटिन्यूस रिलीजिंग के लिए हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो व्यवस्थित हैं, और काफ़ी फिल्म काफ़ी डायरेक्टर्स हमारे साथ व्यवस्थित हो चुके हैं। तो अब उम्मीद है कि हमारा ये प्लेटफॉर्म आप सभी को हमेशा नई फिल्में देने की कोशिश करेंगे।